युवा कबड्डी सीरीज यूथ लीग मैच नंबर 15 खेला जाएगा भाई, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वर्सेस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में। दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। दोनों टीम्स के बारे में एक एक प्लेयर की बात करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा भाई। अगर आपको जैकपॉट प्रॉफिट कमाना है तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, और अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि इस मैच में आप अच्छी खासी विनिंग करने वाले हो, अगर फिक्सिंग नहीं हुई तो। क्योंकि यहां पर भाई यूथ लीग में फिक्सिंग चल रही है, और फिक्सिंग अगर चलेगी तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर फिक्सिंग नहीं चली तो 101% आप इस मैच में जबरदस्त मतलब विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को यार लाइक वगैरह करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी काम करने का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी मैच की फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, आफ्टर मैच सॉरी बिफोर मैच लाइनअप्स आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहां पर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में क्या पोजीशन है। तो देखिए, एक नंबर एक पर और दूसरी नंबर दो पर है, ठीक है। दोनों टीम्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जबकि एकमात्र अभी तक टीम है अनडिफिटेड वो है भाई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तीन मैच खेले, तीन के तीन जीते हैं, 63 का स्कोर डिफरेंस है। वही रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तीन मैच खेले, दो मैच जीते, एक मैच आ रहा है, प्लस 18 का स्कोर डिफरेंस इनका भी है। अब अगर बात करें भाई दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की, तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की। डिफेंस से स्टार्ट करेंगे, अभिषेक पवार की बात करेंगे। पहले मैच में भाई कंप्लीटली फ्लॉप रहे, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में भाई हमने फिर से बैक किया, फिर से वीसी किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी, 6 टैकल निकाले। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो 2 टैकल इन्होंने यहाँ से भी निकाल कर दिए। और आज अभिषेक पवार आपके लिए एक मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी वाले प्लेयर रहेंगे। एस खलाटे की बात करें, पहले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर देखिए भाई 6 टैकल इन्होंने निकाले। दूसरे मैच में यहाँ पर आप देखिए इन्होंने 1 टैकल निकाला, तीसरे मैच में इन्होंने 2 टैकल निकाले। हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जरूर हुई है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस कंटिन्यू आ रही है। एस मेड की बात करेंगे, पहले मैच में भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस, हाई फाइव लगाया, दूसरे मैच में फिर से जबरदस्त परफॉर्मेंस, 2 टैकल, और तीसरे मैच में 4 टैकल निकालकर जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी हुई है। तो इन तीनों में से आपके लिए मेरे हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट फिर भी अगर किसी एक को ड्रॉप करना हुआ तो भाई एस मेड को इस मैच में आप ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो एस वाबले कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में 4 टैकल, उससे पहले वाले मैच में देखोगे तो भाई 6 टैकल, और स्टार्टिंग के मैच में अगर आप देखोगे तो 2 टैकल इन्होंने यहां पर भी निकाले थे। एस वाबले भी कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं। पी गोरे की बात करें, लास्ट मैच में भाई यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हाई फाइव इन्होंने अपना कंप्लीट किया, और इस मैच में ये भी आपके लिए एक तगड़े सीवीसी के ऑप्शन रहेंगे जीएल मिनी जीएल में। जीएल से याद आया भाई, यहां पर 11.5 लाख की जीएल लगी हुई है। इस जीएल कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको भाई 4 से 6 टेलीग्राम चैनल पर आपको 4 से 6 ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए रेडिंग सेक्शन में चलते हैं, यहां पर आपको 2 तगड़े रेडर दिखेंगे। सबसे पहले भाई आपको प्रफुल्ल जवारे दिखेंगे, जबरदस्त प्लेयर है, तेलुगु टाइटंस की तरफ से प्रो कबड्डी में भी खेल रहे थे, और यहाँ पर लास्ट मैच में 14 टच पॉइंट, उससे पहले वाले मैच में 13 टच पॉइंट, और फर्स्ट मैच में भाई इन्होंने 8 टच पॉइंट प्लस एक बोनस पॉइंट यानी कि 9 पॉइंट निकाले थे। वही अगर बात करें ब्रजपाल यादव की, तो ब्रजपाल यादव भी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट मैच में सुपर 10, दूसरे मैच में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सुपर 10, और लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 टच पॉइंट निकाले। अगेन आपके लिए एक ट्रंप कार्ड पिक यहाँ से रह सकते हैं। बात करें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की, तो इनके पास भी 3-4 अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्हें आप अपनी टीम में बैक कर सकते हो। सबसे पहले ये पालकर की बात करेंगे, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरे मैच में जो ये खेले थे उसमें भाई इन्होंने 2 टैकल निकाले। लास्ट मैच की बात करें तो रायगढ़ के सामने भाई इन्होंने 1 टैकल निकाला। वही अगर बात करें भाई एस कुंबर की, तीनों मैच में ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, और यहां पर देखिए नैंडर डिस्ट्रिक्ट के सामने 3 टैकल, इसके अलावा धूले के सामने यहां पर आप देखोगे 2 टैकल, और रायगढ़ के सामने भी भाई इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 3
तीन टैकल निकाले हैं, तो ये आपके लिए एक मास्टर पिक कैटेगरी वाले प्लेयर रहेंगे। वही अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर अमर सिंह कश्यप को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है भाई अमर सिंह कश्यप की, कि ये भाई देखिए एक तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, दूसरी बात भाई अब सामने स्ट्रॉन्ग टीम है तो उनके सामने चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मैं ये बोलूंगा कि प्लेयर ट्रस्टेबल है तो ट्रस्ट कर सकते हो इनके ऊपर। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की, तो यहां पर भाई आपके सामने श्रेयस शिंदे नजर आएंगे जो कि तीनों मैच में ट्रंप कार्ड पिक रहे। यहां पर देखिए चार टैकल एक बोनस पॉइंट निकाला इस सॉरी हाँ चार टैकल एक बोनस पॉइंट, यहां पर देखिए सुपर 10 कंप्लीट किया, और लास्ट मैच में अगर आप देखो तीन टच पॉइंट तीन बोनस पॉइंट दो टैकल इन्होंने निकाले हुए, तो आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको नजर आ जाएंगे अभिषेक शिंदे जो अगेन आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लास्ट मैच में 6 टच पॉइंट, उससे पहले वाले मैच में 14 टच पॉइंट दो बोनस पॉइंट और एक टैकल, जबरदस्त परफॉर्मेंस। उससे पहले भाई यहाँ पर 4 टच पॉइंट दो बोनस पॉइंट एक टैकल पॉइंट निकाला है, मैं इन्हें भी भाई मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। बात करें अगर भाई टीम की, तो चलिए अब मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको मैं बता दूँ अभी जो मैं टीम बना रहा हूँ ना ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन टीम होगी, फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ से देखिए अभिषेक पवार एस खलाटे दोनों टीम में रहेंगे, नीचे अगर आप चलो तो भाई एस कुंबर को टीम में रख सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में एस वाबले अमर सिंह को टीम में रख सकते हो, रेडिंग सेक्शन में प्रफुल जवारे, और यहां से भाई आप अपने टीम में रख सकते हो ब्रिजपाल को। ठीक है, अगर आपको सेफ जाना है तो भाई आप यहां से एक्सचेंज कर सकते हो, अमर सिंह की जगह पर एस शिंदे को भी टीम में रख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए चलिए एस शिंदे को ही रख लेते हैं। कैप्टनसी की बात करें तो प्रफुल जवारे हमारे कैप्टन रहेंगे, वीसी की बात करें तो अभिषेक पवार को मैं वीसी दे रहा हूं, अगर आप लोग चाहो तो यहां से भाई एस वाबले या फिर भाई एस खलाटे को भी एज ए वीसी लेकर जा सकते हो। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, कोई चेंजमेंट होता है कुछ अपडेट आती है तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको वहीं पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में। उम्मीद है आपने टीम सेव कर ली होगी, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, तो मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।